नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सुमन। पहली चीज़, थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव्स, ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स जो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे रिसीव हुई थी रिलेटेड टू माई हेल्थ। एंड ये मेरे साथ हुआ कैसे था, मैंने जो है सोर जो है बिल्कुल चोक हो गया था, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। एक अबैंडन डॉग था जिसको मैं लेने गई थी एंड मुझे मॉर्निंग के 4 बज गए थे, मुझे कार में वो दिख नहीं रहा था। देन मैं स्कूटी पे उसके पीछे गई किसी के साथ बैठ के, अपने ब्रदर के साथ बैठ के। सो वो जो एकदम से ठंड लगी एंड वो पूरा हमारा चोक हो गया, सबका जितने लोग गए थे उस अबैंडन डॉग को लेने। एंड वो डॉग हमारे पास ही है, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने उसका पूरा डाला है। एंड अगर आप लोगों को भी आसपास कहीं पे भी अबैंडन डॉग मिलता है जो कि अपने घर से बाहर निकाल दिया गया है, देन मेक श्योर आप उसको हेल्प करें। आप अपने पास नहीं रख सकते तो कम से कम उसको कहीं पर एक शेल्टर में डाल दो, तो एटलीस्ट वो मारा नहीं जाएगा। अदरवाइज स्ट्रीट डॉग्स जो होंगे वो जो घर के डॉग्स होते हैं उनको बिल्कुल काट के मार देते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेटेड टू आयुर्वेदा डिनर रेसिपी। आपने मेरा फेस देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रिप्स एंड मेडिकेशंस मैं बिल्कुल ब्लोटेड हूँ इस समय, बिल्कुल स्वॉलन फेस है मेरा। 3 दिन के अंदर मेरा जो फेस है वो आपको बिल्कुल लीन दिखेगा क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी भी है। सो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि विद इन 3 डेज मैं कैसे डिटॉक्स करके अपनी स्वेलिंग को, बॉडी की ह्यूज स्वेलिंग को ख़त्म करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगी, जस्ट विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा डाइट। मैंने अपनी कुछ लास्ट की 2-3 वीडियोस में आयुर्वेदा का डाइट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी 7 ऐसी रेसिपीज़ जो स्पेसिफिकली मेड है थ्रू आयुर्वेदा। एंड ये जो रेसिपीज़ हैं ये आपकी बॉडी को क्लीन करेंगे, डिटॉक्स करेंगे एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट मॉर्निंग आपका जो वेट अपडेट आप जब अपना चेक करोगे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। आपको पता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सनराइज होता है हमारा मेटाबॉलिक रेट ऊपर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चलता है। जैसे जैसे सन डाउन करता है वैसे वैसे हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। विच मीन्स हमारा जो डिनर है वो हमको 6 बजे तक ख़त्म करना पड़ेगा, 6 to 6:30 के बीच में। एंड उसके बाद 10 बजे तक हमारा फास्टिंग रहता है, 6:30 से 10 बजे के बीच में। अब यहाँ पे आता है कि 6 बजे हम ऐसी कौन सी मील ले सकते हैं जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हर्ट ना करे, विच मीन्स हमारा अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो रहा है, हम उसको कुछ हैवी नहीं दे सकते डाइजेस्ट करने के लिए। एंड अगर हमने कुछ भी हैवी दिया सो वो पूरी बॉडी को स्वॉलन कर देगा नेक्स्ट मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं 7 ऐसी रेसिपीज़ जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी बॉडी बिल्कुल स्वॉलन नहीं करेगा, इनफैक्ट आपका 300, 400, 500 ग्राम तक लूज़ भी करेगा एंड उसके साथ साथ आपकी बॉडी को नरिश करेगा एंड आपकी बॉडी में प्रोटीन्स भी हाई करेगा। 3rd इज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी बॉडी को क्लीन करेगा, डिटॉक्स करेगा। ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 रेसिपी अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ कि 1 रेसिपी है मेरी ब्लैक चने का बॉइल्ड वाटर। ना दालों की बहुत अलग महत्व होता है हम मानते हैं आयुर्वेदा के अंदर। दालें, मूंग दाल, चना, काला चना, हरे मूंगों की दाल, येलो मूंगे की दाल, इन तीनों की बहुत अलग अलग वैल्यूज़ है आयुर्वेदा के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं बात करती हूँ, अगर आप इन सारी दालों का और स्पेशली ब्लैक चने का और ग्रीन मूंगे के पानी को बॉयल करके रात को आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं, ट्रस्ट मी नेक्स्ट मॉर्निंग आपका 500 ग्राम तक वेट लॉस होता है। अब आप यहाँ पे बात करोगे यार पानी से हम कैसे अपना डिनर काटेंगे, ये जस्ट पानी नहीं है, ये एक गिलास ऐसा है जो लोडेड है लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स, सेकेंड इज मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड जिनकी बॉडी में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। एंड ये जो पानी है ये आपके हंगर को, भूख को सप्रेस करता है, डाउन करता है एंड उसके साथ साथ आपकी क्रेविंग्स को किल करता है। नींद भी बहुत अच्छी आती है एंड जब आपकी क्रेविंग्स किल हैं देन उसके साथ साथ आपका नेक्स्ट मॉर्निंग का जो फोकस है, जो डेडिकेशन आता है वेट देखने के बाद, वो और ज़्यादा अच्छा आता है। ये पानी बनाना कैसे है, चलते हैं किचन में। ओके, सो ये हमारा पहला पानी है, ये मेरे पास है मेरे ब्लैक चना है जिसको मैंने भिगो रखा था और अभी जस्ट मैंने इसे बॉइल करा है। एंड इसका जो ये हमारा पानी है ये हमारा डिनर होगा। ये कैसे निकालना है मैं बताती हूँ। ये जो ब्लैक चना है इसको हमने उबाला है एक्स्ट्रा पानी के साथ और जो एक्स्ट्रा ये पानी है ये हम पियेंगे एज हाँ डिनर हमारा। सो ये रहा हमारा डिनर, एक पूरा ग्लास वाटर
और यहाँ पे देखोगे क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पानी के साथ बॉईल किया था, सो ये जो पानी है ये ग्रेवी के काम आ जाएगा. एंड हेयर वी हैव आवर वन ग्लास फुल्ड विद लोडेड विद मिनरल्स विटामिंस. एंड जिन लोगों का आयरन एंड एच बी लेवल बहुत कम है, एंड ये इतना स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स करेगा जो आपको समझ भी नहीं आएगा किस तरीके से हमारी बॉडी लीन हुई है. अब बात करते हैं हम बाकी रेसिपीज की जो कि मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है आपको एज पर द आयुर्वेदा. यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कोकोनट मिल्क. आप रेडीमेड कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं अगर आपको घर का तामझाम नहीं पसंद. अगर आप नहीं करना चाहते तो आप घर पे कोकोनट मिल्क बना सकते हैं. ये है मेरी कोकोनट मिल्क की रेसिपी. यहाँ पे ये जो रेसिपीज़ हैं ये इतनी हेल्दी और डिलीशियस हैं कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप डाइट में ही नहीं हो. वेट लॉस करने का जो मोटिवेशन है वो आपको यहीं से आएगा. कैसे बनानी है ये रेसिपीज़ चलते किचन में. कोकोनट एंड वेजी सूप बनाएंगे हम यहाँ पर. यहाँ पर मेरे पास है पानी, आधा कप जितना मैंने पानी लिया है. यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मटर, आधी गाजर, आधी गोभी, हमारे रात को हम लेंगे ये, और थोड़ी सी कैप्सिकम. नेक्स्ट इसको हम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा बॉईल होने देंगे अच्छे से. ओके, थोड़े से हम सब्जियों को मैश करेंगे हमारे मैशर की हेल्प से. और जैसे ही ये थोड़ा सा बॉईल होने लग जाएगा यहाँ पे मैंने डाला है मेरा कोकोनट एंड कैशू मिल्क, एक स्कूप, दो स्कूप एंड तीन स्कूप. कोकोनट एंड कैशू मिल्क की जो रेसिपी है ये मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट करना है, वहाँ पे आ जाओ एंड वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो. एंड ये इतना क्रीमी सूप बनेगा, इतना क्रीमी सूप. अब हम इसे बॉईल करेंगे एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए और. ओके, सो हियर वी गो, आर डेयरी फ्री ऑयल फ्री सूप लोडेड विद वेजीज एंड सुपर हेल्दी एंड यम्मी. प्लस इतनी स्ट्रांगली आपका क्रेविंग ख़त्म करेगा और इतने विटामिंस एंड मिनरल्स हैं इस वन बाउल के अंदर. ओके, यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं गोल्डन सूप. ना गोल्डन सूप के लिए सेकेंड रेसिपी में मेरे पास है गोभी. सीजन में बहुत अच्छे से आ रही है इस समय गोभी, ब्रोकली. यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 ग्लास पानी, थोड़ा सा मैंने लिया कच्ची हल्दी, आराम से सीजन में मिल रही है. इसको अब हम विसल लगाएंगे 4, तेज आंच पे 4 विसल. 5 मिनट में ये सूप बनेगा. सो हमारा जो गोल्डन सूप है उसके जो वेजीज हैं ये हो गई हैं एकदम कुक. अब हम इन सबको अच्छे से ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए एंड उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे विद दिस वाटर ओनली. ओके, अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे ब्लेंड होने के बाद क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसका वाटर चाहिए. ओके, सो ये सूप की रेसिपी है जो गोल्डन सूप है. मुझे अच्छे से याद है जो मेरी मम्मा का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था अपोलो में, ये तब उनको सूप दिया जाता था डिनर में. हल्की सी काली मिर्ची इसके अंदर टेस्ट के लिए, नमक इफ़ यू वांट आप ऐड कर लेना. मैं यहाँ पे विदाउट सॉल्ट ही रिकमेंड करूँगी एंड गोल्डन सूप इज एब्सोल्युटली रेडी. ओके, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट रेसिपी बना रहे हैं हमारा कोकोनट मिल्क ओट मील. यहाँ पे मेरे पास रोल्ड ओट्स है. यहाँ पे अब हम इस ओट्स को वाटर में अच्छे से कुक करेंगे. हमारे ओट्स नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा कैशू एंड कोकोनट मिल्क होममेड. इसकी रेसिपी के लिए कम ऑन माय इंस्टाग्राम. 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाले हैं. सच अ क्रीमी क्रीमी ओट मिल्क, ऐसा लगता है आइसक्रीम को मेल्ट कर रखा हो. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा हनी, 1 चम्मच जितना मेरा शहद, और इसके अंदर हम एक्स्ट्रा और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. अच्छे से इसको मिक्स करेंगे एंड दिस क्रीमी कोकोनट कैशू ओट मील इज रेडी. सुपर हेल्दी, सुपर डिलीशियस, सुपर यम. नेक्स्ट रेसिपी है हमारी बॉयल घी का पानी. सो यहाँ पे मैंने घीया लिया है गर्म पानी के अंदर. हम 1 गिलास पानी के अंदर इसको बॉयल करेंगे. 4 विसल तेज आंच पे जल्दी जल्दी, उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे. लेट्स डू दिस. ओके, सो घिया हमारा बॉईल हो गया है. अब हम इसे करेंगे ब्लेंड, इसी पानी के अंदर हम ब्लेंड करेंगे इसे. ओके, अब हम इसको छानेंगे अच्छे से.
ओके सो ये रहा हमारा बॉइल्ड घी का पानी, एक गिलास। इसको पीने के बाद आपको यूरिनेशन बहुत अच्छा होगा, और साथ साथ आपका अगर स्टबन फैट है जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं जा रहा, इस पानी को पीने के बाद जो सिस्टम आपका डिटॉक्स होगा, क्लीन होगा, वो अलग बात है। और मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी इसको पी कर मेरा फेस कितना लीन हुआ है जस्ट 3 डेज के अंदर। अच्छा यहाँ पे है मूंगे की दाल, हरे मूंगे की दाल, और ये मेरा फेवरेट डिनर रहता है। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका, और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है, एंड इतना स्ट्रांग सूप का काम करता है ये। सो मुझे इसका सिर्फ पानी लेना है, सिर्फ और सिर्फ पानी। तो मैंने एक्स्ट्रा पानी में बॉईल करा है, और जो दाल है वो घर पे बन जाएगा। जिन जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है ना यार, एक्स्ट्रा डिनर नहीं बनाना अपने लिए, कुछ घर की चीज़ों से बता दो। सबके घर में दालें बनती हैं रात को, 90% इंडिया के हैं घर में दालें बनती हैं। सो यहाँ पे क्या करना है, दाल बनाओ, एक्स्ट्रा पानी डाल दो, उसका पानी आप पी लो एज अ डिनर, और दालें आप सबको घर में सर्व कर दो। ये वाला जो दाल का पानी है, हरे मूंगे की दाल का पानी, इतना थिक होता है ये, और बिल्कुल भूख नहीं लगती है, बिल्कुल बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। एंड ये रहा मेरा अनदर डिनर, इसमें मैंने कोई सॉल्ट नहीं डाला। अगर आपका बीपी लो का इशू है, आपको डिजी बहुत जल्दी हो जाता है, देन यू कैन ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट, बट मैंने नहीं डाला, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस, वेलकम बैक। ये जो रेसिपीज हैं, अगर आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं और लगातार आप इनको अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, आपका अगर वेट लॉस नहीं हो रहा, आई कैन गारंटी यू आप आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं वाया दीज रेसिपीज। एंड ये जो रेसिपीज है, अगर आप अपने वेट मेंटेनेंस में भी ऐड करते हो, आपकी स्किन, आपका बॉडी, आपका फिगर, ट्रस्ट मी, बहुत नेक्स्ट लेवल पे हेल्दी रहता है। अब हम बात करते हैं 3 से 4 ऐसी चीज़ों की। पहली चीज़, मुझे आप यहाँ पे ये बताएंगे कमेंट करके, वेट लॉस का मोटिवेशन क्या है आपका। मेरे पास मेरी एक क्लाइंट आई थी, उनका मोटिवेशन है लुक्स, कुछ क्लाइंट्स आते हैं हेल्थ, कुछ क्लाइंट्स आते हैं फेस और स्किन हमको बहुत अच्छा करना है, कुछ क्लाइंट्स आते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे कर दो, कुछ होते हैं कि यार मुझे किसी को जवाब देना है, मुँह तोड़ जवाब देना है, तो कैसे करेंगे। आपका क्या डेडिकेशन है, आपका क्या मोटिवेशन है, मुझे कमेंट करके बताना। एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे मैं अपना बिफोर आफ्टर डालूंगी, मेरा स्वॉलन फेस, और मैं 2 या 3 दिन के अंदर आपको अपना लीन फेस दिखा दूंगी मेरी फ्रेंड की मैरिज पे। टेक केयर जी, बाय बाय, एंड हैप्पी वेट लॉस जर्नी।